आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आप देखिए सिविल सर्विस हो गया, आपका स्टेट पीसीएस हो गया, और वन डे एग्ज़ाम भी होते रहते हैं सेंट्रल लेवल पर, आप देखते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। राज्य में अगर आप लोग आएंगे तो देखेंगे कि शिक्षक भर्तियाँ हो जाती हैं आपकी, पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, पटवारी के लिए, इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम राज्यों में भी होते रहते हैं। और इन सब के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के आप लोगों ने देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। और इन सब में आप देखें, करंट अफेयर्स से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और वैसे आप लोग जानते भी होंगे कि हर महीने का करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर लेते हैं। मंथली करंट अफेयर्स के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, पिछले जितने भी महीने खत्म हुए उन सब की क्लास एक एक करके हम लोगों ने कवर की हुई है। आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 में जो घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और उनका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। आप सभी को मालूम है कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है, बीएसएफ की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा था, ये आप देखेंगे कि आपका 58वां था। कौन सा? 58वां, ठीक है। यानी कि आपका सी ऑप्शन पहले में बिल्कुल ठीक रहेगा। हर साल 1 दिसंबर को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में दिवस मनाया जाता है? कैंसर, मलेरिया या मधुमेह, या आप देखें एड्स। तो आप सभी जानते हैं 1 दिसंबर को एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में आप लोग याद रखिए कि इसका मनाने का उद्देश्य यही है कि आप देखेंगे कि एचआईवी संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता किया जा सकते। और इस बार आप देखिए रखी गई इसकी थीम समानता रखी गई है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? समानता रखी गई है। और 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल ये आपका दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे एड्स महामारी के प्रति जागरूकता हो, इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उसका शोक मनाना एक तरह से इसका उद्देश्य रहता है। एड्स का पूरा नाम देखें तो एक्वायर्ड इम्यूलेनो डिफिशेंसी सिंड्रोम होता है, और यह एक विषाणु जनित बीमारी है और जिसका नाम है एचआईवी आप लोग देखते हैं। और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशेंसी वायरस इसका पूरा नाम होता है एड्स का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें सी होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, बताइए। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आप लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे कि लखनऊ इसकी राजधानी है। और आपको बता दूं कि इसकी सीमा आप देखेंगे बिहार से लगी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड प्रदेश है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है इसकी। किसकी? नेपाल से लगती है। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, और राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं, और यहाँ विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखेंगे। तो लक्ष्मी सिंह, नंदिनी सिंह और विमला गोयल, रजनी चौहान, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लक्ष्मी सिंह है। कौन है? लक्ष्मी सिंह है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 30 नवंबर? तो आपको बता दूं कि 2 दिसंबर को आपका पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं यह दिवस प्रति वर्ष 2 दिसंबर को, आप देखिए भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसमें जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए एक तरह से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में हुई थी, और मध्य प्रदेश आप सभी जानते हैं कि भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में आप लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधानसभा में 230, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। देखिए अगर भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो
3 दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी, ठीक है। भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रसा हुआ था, जिससे आप देखिए 15,000 से अधिक लोगों की डेथ गई थी हो गई थी, ठीक है। और भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC नामक जहरीली गैस रिसी थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन का 96 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है इनकी? तो आप देखेंगे इराक, इजराइल, अफगानिस्तान और ये या फिर चाइना। चाइना तो आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है, क्या है हमारा पड़ोसी है। और आपको मालूम होगा कि हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। जब इतना चाइना के बारे में बात कर ली है तो चाइना की ही होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, सी ऑप्शन, माफ करिए, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सी ठीक है। मार्च 1993 से मार्च 2003 तक चीन के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सामने कौन व्यक्ति हाल ही में पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? OBC वर्ग के लिए जो आयोग है ना, उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि निर्मल सिंह राठौर, हंसराज गंगा राम अहीर और गोपाल दास चौधरी, ताराचंद गेमन। बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 102 बार संविधान संशोधन हुआ था ना 2018 में, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। 2003 में कब, 1900 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 आया हुआ था, ये भी आपको मालूम होगा। चलिए ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 338 बी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों, कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए NCBC की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसमें हंसराज गंगाराम अहीर होंगे, क्या होंगे, गंगाराम अहीर होंगे, यानी कि आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्रिकेट किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, सौराष्ट्र। तो ये आप देखेंगे सौराष्ट्र ने जीता है। किसने? सौराष्ट्र ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विकलांग दिवस तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। तो ये आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम हो सके। और आप देखिए इस दिवस के लिए वार्षिक और ऑब्जर्वेशन की घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली में रेजुलेशन में वर्ष 1992 में की थी, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, हाल ही में एम परमा शिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? BOB या SBI, PNG, BOI। तो आप देखेंगे ये बने हैं PNGI, PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की? ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लेता है, तो बताइए कब हुई थी, आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक है। अगले इसमें क्या लगा दोगे? PNB। प्रतिवर्ष मृदा दिवस का मनाया जाता है, मृदा दिवस की बात कर रहा हूँ। ये आप देखेंगे 5 दिसंबर, 7, 8, 4 दिसंबर कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस, मृदा दिवस। और यह दिवस इसलिए मनाते हैं कि मृदा के बारे में आप लोगों को जागरूक हो सकें, उसे बचाने के लिए काम करें। ये पहली बार आप देखिए पूरे विश्व में 2014 में मनाया गया था, क्योंकि आप देखिए मिट्टी को हम लोग, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक रहा प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन भारतीय नौसेना दिवस, क्योंकि आप देखिए कि हमें जलवायु, जल से भी समुद्रों से भी तो सुरक्षा करनी होती है ना। और आप देखते हैं कि हमारे ऊपर हमला होता रहता है, पाकिस्तान जल से भी, आप देखिए जल जलीय सीमा के जरिए आतंकी हमला करवाने की कोशिश करता है। तो 5, 4, 3, 2, 3, 6, तो ये आप देखेंगे कि 4 दिसंबर को आप लोग मनाते हैं। कब? 4 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये समुद्री अंग है भारतीय सेना का। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस बार आप देखेंगे कि मानव अधिकार दिवस की थीम क्या रखी गई, डिग्निटी फ्रीडम जस्टिस फॉर ऑल या गरिमा स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये भी मनाया जाता है आपका मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछ लेता है। 1910 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनाई थी, इसलिए आप देखेंगे इसी दिन को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के जो संगठन हैं उनके बारे में भी याद रखा करिएगा क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आप देखेंगे पूछ लेता है कई बार, ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एका राय कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष बनी है, वनिता राव, सुमन झा, सुष्मिता शुक्ला, अवनी घोषाल, बताइए। फेडरल रिजर्व बैंक, तो ये आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 दिसंबर 1913 में हुई थी। ये आप देखेंगे कि अमेरिका की केंद्रीय बैंक, हमारी जिस तरह से रिजर्व बैंक है ना उसी तरह से हमारी बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिले था। तो इसमें सुष्मिता शुक्ला होंगी, ठीक है, आपका क्या होगा, सी ऑप्शन। कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रवीना गौतम, अनीता खन्ना, नगमा खान, मेघना अहलावत, तो इसमें मेघना अहलावत हैं, ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, जो किस राजनीतिक दल से हैं। अभी आपने देखा है कि आपके चुनाव हुए थे कहाँ, गुजरात में, और आप सभी जानते हैं कि गुजरात में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें बीजेपी की तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं गांधीनगर इसकी राजधानी, 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में आप देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है, और यहाँ आप देखेंगे तो विधानसभा में आप लोगों को 182 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है, ठीक है। और देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सभी चुनाव करवाता है, तो उसके बारे में भी याद रखा करिएगा, संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और हम नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिवस विश्व पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 10, 11, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, तो ये आप देखें 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है, पहाड़ों के बारे में महत्व बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, बताइए। आईसीसी के बारे में अगर हम लोग बात करें ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन है, बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव, जॉस बटलर, डेविड मिलर, तो ये आप देखें जॉस बटलर इंग्लैंड के हैं। फिर आप देखें पुरुषों को मिल चुका है, तो महिलाओं के लिए किस महिला खिलाड़ी ने नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, बेथ मुनी, लोरा बोल्ड दर्थ और सिद्रा अमीन, सूजी बेट्स, तो इसमें आप देखेंगे सिद्रा अमीन होंगी, पाकिस्तान की है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन NSCC 2022 में विमेंस ईयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है, अनीता डीएम, दिव्या टीएस, सीके सुमन, प्रीति जेके, तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी स्टार शूटर है दिव्या डीएस,
दिव्या टीएस बनी है, ठीक है। 10 मीटर वेमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है। इसके अलावा ओलंपिक मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर वेमेंस का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ दिव्या टीएस ने एक करीबी मुकाबले में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बना को गोल्ड मेडल मैच में 16-14 से हराया। हरियाणा की रेदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। तो भी होगा इसमें। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं को के धूमपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? अच्छी पहल है, लेकिन आप देखिए कि बहुत आय भी होती है सरकारों की, तो इसलिए कोई कदम नहीं उठाना चाहता है। आप देखिए नीतीश कुमार उठाए हुए हैं, शराबबंदी किए हुए हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है उन्हें, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। किसी और राज्य में इतनी दम नहीं है कि वो कर सके। आपने देखा होगा कोरोना महामारी में सब कुछ बंद था, लेकिन शराबों की दुकानें खुल गई थी, क्योंकि आय राज्य सरकार की सबसे ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो इसमें आप देंगे न्यूजीलैंड। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए समाज को फायदा भी होता है इसका। कौन व्यक्ति हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर WHO के चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किए गए हैं? फिलिप्स नॉर्ड, आदिल साय, जेरेमी फरार और महमूद हसनैन। तो ये आप देखेंगे जेरेमी फरार होंगे। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? माइनॉरिटी राइट डे, 18, 17 दिसंबर, 19 दिसंबर या आप देखेंगे कि 20 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की अधिकारों की रक्षा के लिए एक तरह से मनाया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं की बात हो रही है, तो ये आप लोग याद रखा करिएगा। कब हुई थी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना? 17 मई 1993 में, 1993 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से, क्या कर लेता है, कई बार पूछ लेता है। और भारत सरकार द्वारा देश में 6 धर्मों, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी और जैन धर्म को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। किस भारतीय सुंदरी ने मैसेज वर्ल्ड 2000 मैसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है? बताइए। ये आप देखेंगे नंदिनी चावला है या राधिका चौहान है, नमिता राव है, सरगम कौशल है। तो आप सभी जानते हैं कि सरगम कौशल ही होंगी, तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगा देंगे। भारतीय सुंदरी सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है। पॉलिनिया को फर्स्ट रनर अप और मिसेज कनाडा को सेकंड रनर अप घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि पहले 2001 में एक खिताब अदाकारा मॉडल अदिति गोपतीकर को ने भारत की तरफ से अंतिम बार जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस की बात हो रही है, प्रवासी दिवस, तो आप देखेंगे कि 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर। तो ये आपका कब? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 18 दिसंबर को। और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को। इस वर्ष की थीम आप देखेंगे इंटरग्रेटिंग माइग्रेंट्स इंटू प्राइमरी हेल्थ केयर रखी गई है। और ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर सन 2000 को पूरी दुनिया में बढ़ते प्रवासियों की संख्या को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में 18 दिसंबर को घोषित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, बताइए। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए विश्व फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है। और ब्राजील, उरुग्वे, इटली, अर्जेंटीना। और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप लोग बड़ा जानते भी होंगे। ये पहली बार कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, 1942 में और 46 में ये नहीं हो पाया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। हर 4 साल में होता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अर्जेंटीना ने जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने ये जीता है। कहाँ हुआ था ये? कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में हुआ था, ठीक है। अभी हाल ही में कतर में हुए, और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है, ठीक है। और इस मुकाबले में लियोन मेसी ने शानदार प्रदर्शन से इस मैच में अपनी टीम की जीत दिलाई है। और इस प्रकार अर्जेंटीना ने 36 साल में के बाद अब तक अपना तीसरा फुटबॉल विश्व कप जीता है। इससे पहले आप देखें अर्जेंटीना ने अपना पिछला विश्व कप खिताब 1978-1986 में जीता था। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि भारत के खिलाड़ी क्यों नहीं जाता, क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्या कमियां हैं, वो आप लोग बताइएगा, ठीक
ठीक है, थोड़ा सोच के। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति लियो वराडकर ने किस देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आयरलैंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। और पश्चिमी यूरोप में आप लोगों को द्वीपीय देश देखने को मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें आयरलैंड लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा, विराट कोहली, रवीश कुमार, माधुरी दीक्षित। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसकी स्थापना आप देखें 22 मार्च 1980 में हुई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि किसे, सोनाक्षी सिन्हा को। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक्टर है ना, उन्हीं की बात हो रही है। हाल ही में किस खिलाड़ी से संबंधित खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं, उरुग्वे के हैं, या आप देखें ब्राजील के, अर्जेंटीना के? तो ये फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो ये आप देखेंगे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे भारत में आप देखेंगे। और जो हमारे महान गणितज्ञ थे ना, श्रीनिवास रामानुजन, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रामानुजन के सम्मान में उनके जन्मदिन को 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। और इनका जन्म आप देखें तो 22 दिसंबर 1887 में हुआ था, और 26 अप्रैल 1920 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस टीम ने विलायन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो भारत ही जीतेगा, क्या जीतेगा? भारत ही जीतेगा, और बांग्लादेश की को हरा कर एक बार फिर आप देखेंगे जीता है। चलिए ये भी आप लोग, इससे पहले 2012 और 2017 में भी नेथिन टीम इंडिया ने यह टूर्नामेंट जीता था। हाल ही में सोहेल एजाज खान को किस देश का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? बताइए, तो ये सऊदी अरब का किया गया है। किसका? सऊदी अरब का किया गया है। किसका? सऊदी अरब का। और रियाद जिसकी राजधानी है सऊदी अरब की, सऊदी अरब मध्य पूर्व में आपको देखने को मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य पुरस्कार की बात हो रही है, तो इस आप देखेंगे कि मलेश ठाकुर हैं, बद्री नारायण हैं, या आप देखते हैं कि जगदीश मैत्रेय हैं, अशफाक खान हैं। तो ये आप देखेंगे कि किसे मिला है, और जिसमें बद्री नारायण को मिला है, किसे? बद्री नारायण को। उनकी कविता संग्रह तुमनी के शब्द और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को दिया गया। उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। पंजाबी के लिए आप देखेंगे सुरजीत सिंह को, उनकी लघु कथा में मैं आयन घोष नहीं के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो इनके बारे में याद रखा करिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या कर लेता है? कई बार पूछ लेता है, ठीक है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये आप देखेंगे कि 23 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को मनाते हैं। और किसके? आप देखते हैं प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे ना, उन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं हम लोग किसान दिवस के रूप में एक तरह से, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था। इनका जन्म आप देखें 23 दिसंबर 1902 में हुआ था, और 29 मई 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइए, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपके जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस ए बोबड़े, और जस्टिस हेमंत गुप्ता, और जस्टिस रंजन गोगोई। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता को आप देखेंगे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष चुना गया है, जस्टिस हेमंत गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, या आप देखेंगे कि 25 दिसंबर और 28 दिसंबर। तो ये आप देखेंगे कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
आपके भी अधिकार हैं, आप लोग उपभोक्ता हैं तो आपके भी अधिकार होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। इसे मनाने की शुरुआत आप देखें 1986 में हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों को जागरूक करना है। और हर साल 15 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर आपका 24 दिसंबर को और विश्व भर में 15 मार्च को, ठीक है। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये पाकर IPL के इतिहास में सबसे, अब तक के सबसे खिलाड़ी, महंगे खिलाड़ी बने हैं बताइए। IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है, तो उसी की जो आप देखते हैं कि 2008 में फाउंडेड हुई थी इसकी स्थापना। और अब आप लोगों के लिए टाइम पास एक और आ जाएगा, तो केन विलियमसन, निकोलस पूरन, सैम कर्नर और इंग्लैंड के डेविड मिलर। तो सैम कर्नर रन हैं, इंग्लैंड के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में सेदविक रबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये फिजी के, माइक्रोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। तो ये फिजी के बने हैं, कहाँ के, फिजी के बने हैं। तो इसमें आप लोग फिजी लगा देना, ठीक है। फिजी गणर सूबा, इसकी राजधानी, सूबा इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? कृत्रिम हृदय, आप समझ रहे हैं, हार्ट फेलियर आप लोग देखते हैं ना, तो उन लोगों को मदद मिलेगी। IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर। तो IIT कानपुर ने, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 दिसंबर को सुशासन दिवस किस किन के जन्मदिन पर मनाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर, और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, और 16 अगस्त 2018 में दिल्ली में एम्स में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के, तो सुभाषिस पांडा और हितेश कुमार मकवाना, संतोष कुमार गंजी, कमला जी राव। अगर देखिए हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, तो इसमें संतोष कुमार यादव होंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, CEO बने हैं रेलवे बोर्ड के? इसमें आप देखेंगे पहला कह रहा है मनीष कुमार निगम, अनिल कुमार लाहोटी, आलोक कुमार वर्मा, रामगोपाल चौधरी। तो आप सभी जानते हैं कि अनिल कुमार लाहोटी बने हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की, रेलवे भारतीय रेल को चलाने वाली सबसे बड़ी बोर्ड है एक तरह से, तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा दिए होंगे। किसे पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? ये आप देखेंगे कि डॉक्टर एलिडा गिवा, मेलेसी फोर्ड, जिमी टॉर्डन, मैक्स वाटसन। तो ये आप देखें डॉक्टर एलिडा ग्योरे होंगी, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा इसमें। और ये आप देखेंगे कि कहाँ क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, ध्यान रहे, अवार्ड आर गौरियम्मा फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाए। इस अवार्ड के साथ एक प्रशस्ति पत्र और $3,000 प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे भाग रहा है, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश से संबंधित पूर्व मशहूर फुटबॉलर पेले का, फुटबॉलर थे, 82 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है इनकी, कहाँ के थे? या आप देखेंगे कि कहाँ के थे, ब्राजील क्रोएशिया और पुर्तगाल अर्जेंटीना। तो ये ब्राजील के थे, कहाँ के, ब्राजील के थे, ये आप लोग याद रखिएगा, ब्राजील के थे। आप देखिए कि इन्होंने 92 मैचों में 77 गोल किए थे और कैंसर बीमारी के कारण जूझ रहे थे। और ऐसे पेशेवर फुटबॉल के रूप में पेले ने कुल 3 बार फीफा वर्ल्ड कप 1958, 1962, 1970 जीता था। एक व्यक्तिगत फुटबॉलर के लिए एक रिकॉर्ड काफ़ी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण देश है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए तो ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये छठवीं बार बने हैं। कौन सी बार? छठवीं बार बने हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इनकी सांसदों का 120 में से 63 सांसदों का समर्थन मिला है। इनकी सरकार कई दक्षिणपंथी पार्टियां भी शामिल हैं। चलिए आप लोग याद रखिएगा, लेकिन आप लोगों को इजराइल के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ। किसके बारे में? इजराइल के बारे में। इसकी राजधानी जेरूसलम है। इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे दिसंबर में कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस थे, उन्हें मैंने बता दिया है। आप लोग पढ़ ले लीजिए, एक से दो बार देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डली हुई है, वहाँ आप लोग कवर कर लीजिएगा। जनवरी में 2023 से लग गया है, तो आप देखेंगे इसमें जो भी घटनाएं घटेंगी उनके बारे में भी हम लोग एक एक करके बात करते रहेंगे। ठीक,